पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत दुखी है सरकार से। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए। ये बातें मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे लोगों ने हमसे शिकायत की है, अधिकारियों ने तक, कि हम मांग करते रहे कि हमें हवाई जहाज से भेज दीजिए, क्योंकि जम्मू से या तो हवाई जहाज से जाते हैं या बैली में जैसे ही घुसते हैं, वहाँ जो पड़ाव है वहाँ से बख्तरबंद गाड़ियों में जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में, पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में सीधी सिंपल बसों में भेज दिया गया। बख्तरबंद गाड़ी जहाँ मिलती थी वहाँ रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे कि हमारे नौजवानों की जाने दिलवा दी और वोट पाने के लिए, उसको वोट का इशू बनाने के लिए। श्री राम गोपाल यादव का बयान राजनीति की तुष्टीकरण की घटिया राजनीति का एक भद्दा उदाहरण। श्री राम गोपाल यादव को सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर प्रश्न खड़ा करने और इस देश के बहादुर जवानों के मनोबल को तोड़ने वाले इस बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब ये देश आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा हो, तब इस प्रकार की तुष्टिकरण के पोषक बयानों के माध्यम से देश के मनोबल को तोड़ने वाले, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले इस प्रकार के बयानों को यह देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। हर हाल में यह देश अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ा है। इस देश की प्रत्येक नागरिक ने इस देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के द्वारा एयर स्ट्राइक के माध्यम से या सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत की सामरिक ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराने, सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने मनवाने का जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, बालाकोट की घटना ने भारत की सामरिक ताकत का एहसास देश के दुश्मनों को करवाया है। कोई पार्टी इस तरह का बयान दे सकती है? जो बयान पाकिस्तान दे रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने खुद ही बम फोड़ लिए, इस तरह का बयान दे रही है समाजवादी पार्टी? इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले कभी इसके लिए क्षमा नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी। नहीं, देखिए, यूएस ने एक नहीं अनेक बार पाकिस्तान को चेतावनी दी है आतंकवाद को लेकर, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान नाम का पाकिस्तान है, इस असल में आतंकिस्तान है। और आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते थे तो लोग कहते थे वो क्यों जा रहे हैं, इसीलिए जाते थे कि पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, और नरेंद्र मोदी जी की साख है कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और चाइना और पाकिस्तान अलग थलग खड़ा हो गया है।